कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, मौली, मौली अर्थात जो धागा होता है उसको कहते हैं मौली। मौली को कलाई पर बांधना, कलावा, मणिबंध कहते हैं। हाथ के मूल में तीन रेखाएं होती हैं जिसको मणिबंध कहा जाता है। भाग्य व जीवन का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक जैसे त्रितापों को देने व मुक्त करने की शक्तियां भी होती हैं। इस मणिबंध में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इसी तरह से त्रिदेवियां भी निवास करती हैं, जिसे हम लोग शक्ति कहते हैं। हम जब कलावा बांधते हैं, जो मौली हाथ में बांधते हैं, तो यह धागा तीन प्रकार के धागाओं से होता है, बना हुआ होता है, और इसमें तीन ही धागे होते हैं। और इस धागे को जो लपेटा जाता है हाथ में, ये भी तीन बार ही लपेटना चाहिए। इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, जिससे हम शत्रुओं से हमारी रक्षा भी होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति के जीवन में मरण, मोहन, विच्छेदन, उच्चाटन, भूत, प्रेत, जादू, टोना इत्यादि का कोई असर नहीं पड़ता, परंतु इसको मंत्र के साथ में बांधना चाहिए। मंत्र मैं आपको बताऊं, एन बद्धो वली राजा दान इंद्रो महाबला तेनत्वाम प्रतिवधनामी रक्षे माचल माचला। इस मंत्र के साथ में मौली बांधिएगा। पूर्णिमा में, संक्रांति में, पर्व पर, जन्मदिन के समय, व्यापार कोई नया चालू कर रहे हैं उस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी। त्रिदेवियां और तीनों देवता आपकी रक्षा करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।